अगर आपने इस वीडियो पर क्लिक किया है तो आप यकीनन ऑनलाइन अर्निंग करना चाहते हैं, तो बिल्कुल आपने करेक्ट वीडियो पे क्लिक किया है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ मोस्ट सिंपल एंड इजी स्किल शेयर करने वाली हूँ। ये एक ऐसी स्किल है जिसको करने या सीखने के लिए कोई इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत नहीं होगी, ना ही इसके लिए आपसे किसी किस्म की एजुकेशन या डिग्री की रिक्वायरमेंट होगी, और ना ही स्किल को करने या सीखने के लिए कोई तजर्बे की रिक्वायरमेंट होगी। ये स्किल बहुत ही ईजी है। फिर स्किल को करने के लिए रिक्वायरमेंट क्या चाहिए? रिक्वायरमेंट जस्ट ये है कि आपको ये स्किल करने और सीखने के लिए क्रिएटिव होने की ज़रूरत है, आप में क्रिएटिविटी होनी चाहिए। इसके अलावा आप लोगों के पास टाइम होना चाहिए जो आप डेली का 2 से 3 घंटा स्किल को दे सको, और आप में पेशेंट होना चाहिए ये स्किल को करने के लिए। तो अगर आप हाउसवाइफ हैं तो ये स्किल आप लोगों के लिए बेस्ट है। अगर आप अपना घर मैनेज करने के साथ साथ कोई ऑनलाइन अर्निंग करना चाहती हैं तो ये स्किल आप लोगों के लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा अगर आप स्टूडेंट हैं तो ये स्किल आप लोगों के लिए है, क्योंकि आप अपनी पढ़ाई के साथ अपनी पॉकेट मनी जनरेट कर सकते हैं इस स्किल की वजह से। इसके अलावा अगर आप किसी भी फील्ड से बिलोंग करते हैं तो ये स्किल आपको आपकी पैसिव इनकम जनरेट करवाने में हेल्प कर सकती है। और हमेशा एक बात जो है वो याद रखें कि विदाउट स्किल्स ऑनलाइन अर्निंग इज इम्पॉसिबल। ठीक हो गया, इसीलिए स्किल्स बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। ठीक है, और ये स्किल आज के वीडियो में मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ, जो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग से बिलोंग करती है। अब ग्राफिक डिज़ाइनिंग का तो आपको पता ही होगा, ये स्किल हम कैनवा पे सीखेंगे एंड कैनवा इजी टू यूज़ एप्लीकेशन है। कंप्लीट प्रोसेस मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ईच एंड एवरीथिंग रिलेटेड टू दिस स्किल मैं शेयर करूँगी, वीडियो को ज़रूर देखेगा। उससे पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें इसी तरह के फॉर इन्फॉर्मेटिव कॉन्टेंट के लिए, और बेल आइकन को भी ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। चलिए यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम कैनवा पे आते हैं और कैनवा के सर्च बार में सर्च करते हैं सप्लीमेंट लेबल डिज़ाइन। जी हाँ, हम यहाँ पे सप्लीमेंट के जो डिज़ाइन करने वाले हैं उनके लेबल हम यहाँ पे जैसे ही सर्च करते हैं, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट डिज़ाइन आ चुके हैं। ये देखें, यहाँ पे मैं नीचे से स्क्रॉल करती हूँ तो कुछ पेड हैं, कुछ प्रो हैं। पेड वाले यूज़ आप नहीं कर सकते अगर आपके पास कैनवा प्रो वर्जन नहीं है, तो ऑब्वियसली आप फ्री ही यूज़ करोगे। तो जो फ्री वाले हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हो, वो भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव और खूबसूरत हैं। यहाँ पे मैं एक डिज़ाइन पे क्लिक करूँगी। ये देखें, जैसे मैंने इस डिज़ाइन पे क्लिक किया है तो ये मेरे पास बहुत खूबसूरत सा इलस्ट्रेटेड टाइप का एक डिज़ाइन आ चुका है। ठीक है, यहाँ बहुत HD क्वालिटी का ये डिज़ाइन है, बहुत खूबसूरत है, मुझे ये बहुत पसंद आया। तो हम इस तरह का जो है वो एक सप्लीमेंट का लेबल डिज़ाइन करने वाले हैं। नीचे भी आप स्क्रॉल करके देख सकते हो, इससे रेलेवेंट हमारे पास जो है डिफरेंट डिज़ाइन आ चुके हैं। कस्टमाइज दिस टेम्पलेट पे मैं क्लिक करूँगी, मेरे पास सेपरेट टैब पे ये आ जाएगा, ये देख सकते हैं आप। अच्छा, एक इस तरह का जो है वो टेम्पलेट सेलेक्ट करने का मतलब यही भी है कि आपके पास एक जो है वो जो साइज़ है स्पेसिफिक लेबल का, वो आपके पास आ चुका है, जो कि हम सप्लीमेंट वगैरह में अक्सर यूज़ करते हैं सप्लीमेंट के डिज़ाइन लेबल डिज़ाइन में। ठीक हो गया, अब मैं इसको भी चेंज कर सकती हूँ, इसको भी एडिट कर सकती हूँ, और इसमें भी डिफरेंट कलर वगैरह चेंज करके इसको भी कस्टमाइज़ कर सकती हूँ, और इसको भी अपने डिज़ाइन में यूज़ कर सकती हूँ। ये बिल्कुल कॉपीराइट फ्री डिज़ाइन होते हैं कैनवा के, जो फ्री वाले होते हैं। ठीक है, बट हम यहाँ पे बिल्कुल स्क्रैच से एक न्यू डिज़ाइन बनाएंगे, और मैं आपको यहाँ पे बना के दिखाऊंगी एक बिल्कुल न्यू डिज़ाइन। ठीक है, खुद से खुद अपने आइडिए से, ताकि आपको आइडिया हो कि आपने किस तरह सप्लीमेंट लेबल डिज़ाइन करना है। ठीक है, मैंने यहाँ पे ये जो है वो ले ली है। अब मैं यहाँ पे एलिमेंट में जाके सर्च करती हूँ रिक्टेंगल। अब मैं यहाँ वैसे तो कोई रिक्टेंगल इस डिज़ाइन में मेरा ऐड करने का आइडिया नहीं है, बट मैं यहाँ रिक्टेंगल क्यों यूज़ कर रही हूँ, वो इसलिए यूज़ कर रही हूँ कि मैं इस डिज़ाइन को जो ये एक साइज़ है एक लेबल का, इसको मैं 3 स्पेसिफिक जो पार्ट्स में डिवाइड करने वाली हूँ। ठीक है, जैसे कि मैंने इसलिए ये जो रिक्टेंगुलर है ये साइड बाय साइड मैंने एडजस्ट कर दिया है, बिल्कुल जो है वो एक इक्वल आप कह सकते हो कि इक्वल जो साइज़ में मैं इसको 3 पार्ट में डिवाइड कर दूंगी इस डिज़ाइन को। ये 2 येलो वाले पार्ट जो लेफ्ट और राइट हैं, और इसके अलावा जो सेंटर वाला पार्ट है, ये हमारे पास 3 पार्ट यहाँ पे आ चुके हैं, जो कि मुझे सेपरेटली डिज़ाइन करने हैं। तीनों पार्ट में मैं सेपरेट सेपरेट डिज़ाइन और इंस्ट्रक्शन और एलिमेंट ऐड करने वाली हूँ। ठीक है, अब आपको मालूम हो गया होगा कि मैंने क्यों इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया है। अब मैं यहाँ एलिमेंट में जाती हूँ, और यहाँ ग्राफिक्स में मैं सर्च करती हूँ ग्रीन वेव। ठीक है, ग्राफिक्स में देख सकते हैं आप, डिफरेंट आपके पास एलिमेंट आ चुके हैं, लेकिन मोस्टली यहाँ पे पेड़ थे। मुझे यहाँ पे कोई अच्छा जो सिंपल जो फ्री होगा वो मुझे यहाँ पे दिख नहीं रहा था, लेकिन मुझे एक जो डार्क ग्रीन कलर का दिखा था वो यहाँ पे मैं यहाँ पे एडजस्ट
कर दूंगी। यहाँ आपको अगेन बताती चलो, येलो का मैं यहाँ पे कोई कम्बिनेशन ऐड नहीं करने वाली। ये जस्ट मैंने इसीलिए ऐड किया है कि मैंने डिज़ाइन को तीन पार्ट में डिवाइड किया है और हम सेपरेटली तीनों पार्ट को अलग अलग तरीके से डिज़ाइन करेंगे। अब यहाँ पे जो हम सप्लीमेंट का डिज़ाइन कर रहे हैं, सप्लीमेंट के लेबल को डिज़ाइन कर रहे हैं, आप लोगों ने अक्सर सप्लीमेंट आप भी यूज़ करते होंगे जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं ह्यूमन की हेल्थ और मेंटेनेंस के लिए। ये जो सप्लीमेंट के अगर आपने लेबल देखे हो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं कि वो जो है एक बोतल होती है और उसके इर्द गिर्द जो लेबल होता है वो हमने यहाँ पे मेनली डिज़ाइन करना है, ठीक है। और उसमें जो है वो तीन तरह की होती हैं, एक जगह पे उसका सारा विटामिन्स या जो भी जिसके बारे में सप्लीमेंट हो उसका डिटेल बताई जाती है और इसके अलावा साइड में डिफरेंट इंस्ट्रक्शन दी जाती हैं, ठीक हो गया। अब यहाँ पे जो है वो मैं यहाँ एलिमेंट्स जो मैंने ऐड करने थे उसकी मैं सर्चिंग कर रही थी। मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा टाइम लगा था यहाँ सर्चिंग करने में। मैं कभी बायोटिन सर्च कर रही थी, कभी विटामिन सर्च कर रही थी, कभी प्रोटीन टैबलेट्स डिफरेंट चीज़ें सर्च कर रही थी कैनवा पे। मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं अच्छा कोई मिल रहा था, सारे पेड़ थे जो अच्छे थे वो पेड़ थे। इसके अलावा मैंने गूगल पे भी जाकर सर्च किया था बायोटिन सप्लीमेंट्स या इसके अलावा विटामिन से रेलिवेंट, क्योंकि सप्लीमेंट यही कुछ होता है विटामिन एंड प्रोटीन्स वगैरह, ठीक है। तो मुझे बहुत ज़्यादा यहाँ पर स्ट्रगल पेश आई थी एलिमेंट सर्च करने में, बहुत ज़्यादा 2-3 घंटे मैंने यहाँ पे लगाए थे। और डिफरेंट मैंने इमेजेस यूज़ की थी, एक मैंने ये भी इमेज यूज़ करी थी, इसका बैकग्राउंड रिमूव करके मैंने इसको ऐड करने की कोशिश की थी, बट ये भी बिल्कुल बेकार लग रही थी। और फाइनली आफ्टर 2-3 और की स्ट्रगल के बाद, बहुत ज़्यादा मेहनत मशक्कत के बाद, मुझे एक ये वाली इमेज अच्छी लगी थी जो कि मैंने गूगल से ली थी और इसको जो है मैंने डाउनलोड किया और remove.bg पे मैंने इसका बैकग्राउंड रिमूव करके इसको अपने डिज़ाइन में मैं ये ऐड करने वाली हूँ। यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रगल पेश आई थी, बहुत ज़्यादा मैंने यहाँ पे जो है वो सर्चिंग वर्चिंग की थी कि मुझे कोई अच्छी सी पिक्चर या कोई अच्छा सा एलिमेंट मिल जाए, बट मुझे यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा था कैनवा पे, ठीक है। जो मुझे पसंद आ रहे थे वो पेड़ थे और जो फ्री वाले थे वो इतने कोई खास नहीं थे। इस वजह से मैंने गूगल का सहारा लिया और इसका बैकग्राउंड मैंने ईजिली remove.bg से इसका बैकग्राउंड रिमूव कर लिया, ठीक है। होप सो आपको यहाँ तक समझ लग चुकी होगी। अब यहाँ पे जो है वो आप ये देख सकते हैं, मैंने ये जो इमेज दूसरी वाली पहले वाली जो सेलेक्ट की थी ना, मैंने इसको भी यूटिलाइज करने की कोशिश की है। मैं इसको जो है वो सेट करके इसकी पोजीशन को बैक करके इसकी ट्रांसपेरेंसी को जो है वो कम कर दूंगी, ठीक है। फिलहाल के लिए मैंने ये इमेज यूज़ किया ताकि बैकग्राउंड बिल्कुल खाली सा ना लगे और थोड़ा सा वो जो है वो अगर मैं विटामिन या प्रोटीन्स बायोटीन वगैरह का बना रही हूँ सप्लीमेंट्स रेलिवेंट टू दिस, ठीक है, तो मेरे ख्याल से ना वो थोड़ा सा पीछे जो फ्रूट्स और वेजिटेबल्स आते हैं तो वो वाला इफेक्ट हो, ठीक है, वो वाली जो है वो लुक थोड़ी सी दे कि ये लेबल जो है वो रेलिवेंट टू सप्लीमेंट्स है, ठीक है। और यहाँ पे जो है वो ये मुझे तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा मुश्किल पेश आई थी, एक जो एलिमेंट या जो मेन हीरो पिक्चर होती है जो किसी भी डिज़ाइन की वो तलाश करने में, बट अगर आप जो है वो बना रहे हो अपने पोर्टफोलियो में ऐड करने के लिए या एज अ प्रैक्टिस के तौर पर बना रहे हो तो फिर तो आपको मुश्किल ही आएगी, लेकिन अगर आप अपने क्लाइंट के लिए ये डिज़ाइन कर रहे हो तो फिर तो वो आपको सारा कुछ प्रोवाइड करेगा, इंस्ट्रक्शंस, डिटेल, पिक्चर्स वगैरह, ठीक है, तो वहाँ पर तो आप इजीली बना सकते हो। वहाँ पर जस्ट आपको एक आइडिया चाहिए होता है कि आपने डिज़ाइन कैसा बनाना है। और कोई भी डिज़ाइन बनाने से पहले मैं हमेशा कहती हूँ कि पहले अपने माइंड में कॉपी पेंसिल पर उसका स्केच बना लें, देन स्टार्ट करें डिज़ाइन बनाना। इस तरह ईजी रहता है और जल्दी बन जाता है, वो ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग रहता है। अच्छा, यहाँ पर मैंने एक जो ग्रीन वेवी थी उसकी तरह का एक रेक्टेंगुलर करके ऊपर सेट कर दिया था और मैंने टेक्स्ट पे जाके एडा हेडिंग पे क्लिक करके यहाँ पे मैंने vitamin B7 लिख दिया था। और ये सप्लीमेंट्स मैं बनाने वाली हूँ बायोटिन से रिलेटेड, क्योंकि vitamin B7 का दूसरा नाम बायोटिन ही होता है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने vitamin B7 लिख दिया। अब यहाँ पे मैं फ़ोन सर्च करी थी, पहले मैंने Lalita 1 सर्च किया, देन मैंने Carter 1, मुझे अच्छा लग रहा था, ठीक है। ये तीनों फ़ोन आजकल मेरे बहुत ज़्यादा फेवरेट हुए हैं, मैं इनको ज़्यादा अपने डिज़ाइन में यूज़ करती हूँ, ठीक हो गया। यहाँ पे मैंने इसका कलर वाइट कर दिया और फिर जो है वो मैंने उसका जो Carter 1 ये जो है वो ये मेरे पास फ़ोन था और मैंने इसको दरमियान में सेट कर दूंगी। अच्छा, एक बात ये भी होती है कि आप जो है वो एंड पॉइंट तक, एंड टाइम तक आप अपने डिज़ाइन में चेंजेस करते रहते हो। कभी आपको ये नहीं अच्छा लग रहा होता, कभी एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के हिसाब से नहीं आपको अच्छा लग रहा होता। इस तरह जो आप डिफरेंट चेंजेस आहिस्ता आहिस्ता करते रहते हो, तो इसमें कोई नहीं होता। आप एंड तक आप अपने डिज़ाइन में चेंजेस करके देख सकती हो कि क्या चीज़ कहाँ पर अच्छी लग रही है। अब जो vitamin B7 के नीचे मैं बायोटिन लिख रही थी, मैंने वो बायोटिन जो है वो उसका आप फ़ोन देख सकते हो, मैंने उसका फ़ोन डिफरेंट रखा। हम इस डिज़ाइन में सिर्फ ये 2 फ़ोन यूज़ करने वाले हैं, एक Carter 1 और एक बायोटिन वाला जो फ़ोन था, मुझे उसका नाम यहाँ पर मिस हो रहा है, ठीक है। तो ये आप देख सकते हैं, बस ये 2 फ़ोन हम यहाँ पर इस डिज़ाइन में यूज़ करेंगे और हमारा जो मेन कलर थ्योरी है दैट वॉज द वाइट
एंड ग्रीन, ठीक है, जो कि वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स वगैरह की लुक देता है, उसमें ग्रीन होता है ज़्यादा, मोस्टली ग्रीनरी वगैरह, ठीक है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स की, तो वो यहाँ पे मैं ग्रीन कर दूंगी। अब यहाँ पे मैं फ्रूट्स सर्च किया, मैं डिफरेंट और एलिमेंट यहाँ पे ऐड करना चाहती थी, ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं डिफरेंट इमेजेस आ गई हैं, तो मैं इनको भी यहाँ पे यूटिलाइज करने वाली हूँ। यहाँ पे मैंने एक इमेज को सिलेक्ट किया है और इस इमेज को जो है वो मैं क्रॉप कर रही हूँ, ठीक है, क्रॉप करके मैं यहाँ डिज़ाइन पर ऐड करने वाली हूँ, जो विटामिन B6 बायोटिन जो ग्रीन कलर का है उसके पीछे, ठीक है। अब मैं ऐड किस तरह करूँगी, यू नो दैट मैं इसकी पोजिशन को बैकवर्ड तो नहीं करने वाली, फॉरवर्ड ही करूँगी, ठीक है। और ठीक है, अब यहाँ पे मैं इसकी ट्रांसपेरेंसी को कम कर दूंगी और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये बहुत ज़्यादा अफेक्टिव और अट्रैक्टिव लुक दे रहा है यहाँ पे, क्योंकि वो बिल्कुल ग्रीनरी सा, वो बिल्कुल रिप्रेजेंटेबल नहीं लग रहा था इस वजह से। और ये जो मैंने मेन इमेज के पीछे ये जो ट्रांसपेरेंसी की यूज़ की थी, ठीक है, वो वाली इमेज वो भी मैं रिमूव कर दूंगी। और यहाँ पे मुझे एक इमेज वही जो पहली बार में लगाई है वो मुझे अच्छी लगी थी, मैं इसका साइज़ वाइज जो है वो इंक्रीज़ करके और यहाँ पे जो है वो इसकी पोजीशन यहाँ पे सेट कर रही हूँ कॉर्नर के हिसाब से, इसको बैकवर्ड करूँगी ताकि ये जो ग्रीन वेव है इससे पीछे चला जाए और इसकी ट्रांसपेरेंसी मैं 12:11 कर दूँगी, ठीक है। और ये बहुत अच्छी लुक दे रहा है। अब मैं ये जो मेन इमेज है इसको यहाँ पर एडजस्ट करती रहूँगी और मेन इमेज जो है वो आपके एंड ऑफ डिज़ाइन तक सेट होती रहती है आगे पीछे, ठीक है। अब मैं ये जो बायोटिन वाला है मैं इसको यहाँ पे कॉपी करूँगी और यहाँ पे इसको लिख दूँगी 60 टैबलेट्स या मेन जो भी आपके पास होता है, आपने जो भी इंस्ट्रक्शन ऐड करनी होती है, आप डिफरेंट सप्लीमेंट्स या टैबलेट्स या डिफरेंट मेडिसन्स के ऊपर आप देखती हो जो मेन चीज़ होती है, ठीक है, इन्फॉर्मेशन, वो सारी यहाँ पर मैं थोड़ी बहुत ऐड करती जाऊँगी ताकि ये जो है वो डिज़ाइन थोड़ा सा प्रोफेशनल दे, लुक दे, ठीक है। और ये 60 टैबलेट मैं यहाँ पर नीचे सेट कर दूँगी और इसके बाद जो है वो मैं अगेन एलिमेंट पे जाऊंगी और यहाँ पे सर्च करूँगी ऑर्गेनिक लोगो, ठीक है, यहाँ पे क्योंकि डिफरेंट कंपनीज के टैबलेट्स या सप्लीमेंट्स होते हैं तो वो अपना लोगो मोस्टली यूज़ करते हैं, तो हम भी यहाँ इसको थोड़ी सी अच्छी लुक देने के लिए कि येस दिस इज़ द सप्लीमेंट लेबल डिज़ाइन, ये जो है वो लुक देने के लिए हम यहाँ पर कोई लोगो ऐड करेंगे, जैसे कि ये लोगो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया है, ठीक है। इसका कलर जो है मैं पहले ग्रीन करने वाली थी बट क्योंकि मुझे ऊपर सेट करना है तो मैं इसका कलर वाइट नहीं, थोड़ा सा ऑफ वाइट सा था, ठीक है, ऑफ वाइट और लाइट ब्राउन, ठीक है, वो यहाँ पे मैं सेट कर दूंगी, ऑफ वाइट और ब्राउन का मिक्सचर हो के, ठीक है, थोड़ा सा ये लुक दे रहा था डल सी, ठीक है। तो ये यहाँ पे मैं ऊपर लोगो मैंने यहाँ पे सेट कर दिया है। अगेन मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट लूँगी और यहाँ पे लिखूँगी हेल्प इन ग्रोथ ऑफ नेल्स हेयर एंड यहाँ पे स्किन लगा देंगे और ये जो रेड लाइन है उसको ख़त्म करेंगे और कोमा में गैप देंगे और यहाँ पे जो भी आपके बायोटिन के फ़ायदे वगैरह होंगे जो यहाँ पे मैं लिख दूँगी कि ये नेल्स हेयर जो स्किन वगैरह के लिए अफेक्टेड होता है, ठीक है, इसको जो है वो स्किन नशोनुमा में हेल्प आउट करता है, ये जो है यहाँ पे मैं एक मेन लाइन जो लिखी है, ठीक है, वो लिख दूँगी। और इसके अलावा मैं बायोटिन को अगेन कॉपी करूँगी और ऊपर जो है वो मैं जो कंपनी होगी उसका नेम लिख दूँगी, जैसे फर्स्ट करें मैं यहाँ पर लिख रही हूँ A2 ऑर्गेनिक, ठीक है, और A2 ऑर्गेनिक को मैं थोड़ा सा छोटा वोटा करके और इसका लोगो उसके साथ मेंटेन करके इसको यहाँ पे सेट कर दूँगी, ठीक हो गया। ये देखिए यहाँ पे मैं यहाँ लोगो को छोटा करके देख रही थी कि किस हिसाब से अच्छा लगेगा, उसके मुताबिक मैं यहाँ पे दोनों चीज़ों को मेंटेन कर लूँगी। और यहाँ पे आप देख सकते हैं मैं जस्ट 2 फ़ॉन्ट ही ऐड कर रही हूँ, ठीक है, 2 फ़ॉन्ट ही यूज़ कर रही हूँ उस डिज़ाइन में और हमारा कलर कॉम्बिनेशन भी जस्ट ग्रीन और वाइट भी होने वाला है, यानी कि 2 मेन हमारे पास कलर हैं। अब हमारे पास जो मिडल डिज़ाइन है वो प्रिपेयर हो चुका है, इसके अलावा अब हमने जो ये वाली साइड है ये यूज़ करनी है, इसमें जो है अब आपने क्या लिखना होता है, आपने डिफरेंट जो न्यूट्रिशंस वगैरह होती हैं इस तरह की डिटेल ऐड करनी होती है फर्दर सप्लीमेंट्स के बारे में, ठीक है, इसमें क्या क्या चीज़ें ऐड हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हैं, ये किस चीज़ से बनी है, क्या है, ये सारा कुछ ऐड करना होता है। तो ये यहाँ पे आपको जब आपका क्लाइंट आपको इंस्ट्रक्शन देगा आपने उसके मुताबिक ये चीज़ सेट करनी है, ठीक है। अब मेरे पास मैं ऐसे सिंपल बना रही थी, ठीक है, मैं तो इस वजह से मैंने ऊपर वाला जो डिज़ाइन है उसको मैंने कॉपी करके नीचे लिख दिया है, क्योंकि मैं सिंपल इसको एज अ पोर्टफोलियो के तौर पर बना रही थी, ठीक है, एज अ सैम्पल के तौर पर बना रही थी। तो आप जो है वो जितनी ज़्यादा डिटेल ऐड करोगे उतना ज़्यादा ये डिज़ाइन हमारे पास प्रोमिनेंट होगा। तो वो जो आप देख सकते हो कि यहाँ पे वो ऊपर मैंने न्यूट्रिशनल फैक्ट्री उस बॉक्स में लिख दिया, मतलब इस वाली साइड पे, और नीचे मैंने एक्सपायरी डेट और जो भी उनका बार कोड वगैरह होता है वो लिख दिया। अब मैं यहाँ पे दूसरी साइड पे जाऊँगी और यहाँ पे मुझे कुछ बेनिफिट्स वगैरह ऐड करने थे, तो मैं यहाँ पे गूगल पे आई और सर्च किए बायोटिन के बेनिफिट, वहाँ पे कॉपी किए और यहाँ पे पेस्ट कर दिए
और यहाँ पे मैं इसका सारे एडजस्ट वगैरह करके और यहाँ पे इसको कर दूंगी कि बीटा बी विटामिन के लिए विटामिन B7 ही होता है, ठीक है। ये बार्किन वगैरह के क्या फ़ायदे हैं, ये क्या क्या हेल्प आउट करता है, ये सारे बेनिफिट मैंने यहाँ पे लिख दिए। आप ChatGPT से भी लिखवा सकते हो, उसके अलावा गूगल भी आप जो है वो ले सकते हो। उसके अलावा मैं एलिमेंट में गई हूँ, मैंने यहाँ पे सर्च किया हलाल लोगो, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पे और थोड़ी सी एडिंग वेडिंग करना चाह रही थी, थोड़े से एलिमेंट ऐड करना चाह रही थी ताकि डिज़ाइन जो है वो थोड़ा सा फुलफिल लगे, ठीक है। बिल्कुल खाली खाली डिज़ाइन भी इतना ज़्यादा अच्छा और अट्रैक्टिव लुक नहीं देता। इसके अलावा अगर आप वाइट स्पेस डिज़ाइन में रखते हो तो वो भी बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट लुक देता है। वाइट स्पेस भी होना ज़रूरी होता है डिज़ाइन में। हलाल का लोगो मैंने सेलेक्ट कर लिया है, जो हेल्प इन गोथ वाला मैंने लाइन लिखी थी उसको कॉपी किया है और यहाँ पे पेस्ट कर रही हूँ। और यहाँ इसको मैं रिमूव करके यहाँ पे लिख दूंगी मेड ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। यहाँ मेड इन पाकिस्तान जो आपने लाइन लिखनी हो यहाँ पे आप लिख सकते हो, और इसको नीचे एडजस्ट कर दूंगी। और इसके अलावा और भी आप इसमें डिफरेंट एलिमेंट यूज़ कर सकते हो, जैसे मैं बार कोड वाला ऐड करी थी और यहाँ पे मैं सर्च कर रही थी, डिफरेंट बार कोड्स हमारे पास आ चुके हैं अच्छे अच्छे बहुत ज़्यादा फ्री में, बट मुझे बाद में याद आया कि मैंने ऑलरेडी एक बार कोड ऐड किया हुआ है, बट फिर मैंने कहा कि चलो डिफरेंट एलिमेंट्स ही ऐड करने हैं थोड़ा बहुत, ये जो है वो हमने अपने डिज़ाइन को थोड़ी अट्रैक्टिव लुक ही देनी है, तो इस वजह से मैं ये भी जो है वो हमारे पास ये हो चुका है, ठीक है। और अगेन मैं 60 टैबलेट्स को कॉपी करूँगी और यहाँ पर कुछ और डिटेलिंग ऐड करूँगी, जैसे मैं यहाँ पर लिख दूँगी 20 mg, ठीक है। और इसकी ये जो है ग्रीन कलर कर दूंगी क्योंकि ऑब्वियसली वाइट पे ग्रीन ही अच्छा लगेगा। और मैं 20 mg को अगेन कॉपी करूंगी और यहाँ पे लिख दूंगी हमारे पास फूड सप्लीमेंट्स हैं ये, ठीक है। आप ये आइडिया जो है ना, अगर आपने प्रैक्टिस के तौर पे बनाना है तो मैं आपको दूंगी कि आप ये वाला आइडिया जो है वह गूगल से ले सकते हो सर्च करके कि सप्लीमेंट डिज़ाइन किस तरह के होते हैं, ठीक है। तो मैं इस तरह ये जो है फूड सप्लीमेंट यहाँ पे छोटी लाइन करके इसको 20 mg के नीचे एडजस्ट कर दूंगी, तो इस तरह हमारे पास बहुत खूबसूरत और अट्रैक्टिव सा हमारे पास सप्लीमेंट लेबल डिज़ाइन तैयार हो चुका होगा। अच्छा, अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं अपने इस चैनल में ऑनलाइन अर्निंग मेथड से रिलेटेड वीडियोस लाती रहती हूँ। अगर आप इस तरह के कंटेंट में इंटरेस्टेड हैं तो अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को भी लाइक कर दें, ठीक हो गया। तो यहाँ पर अब हमने जो डिज़ाइन प्रिपेयर किया है उसको मैं यहाँ पर डाउनलोड कर लूँगी PNG फॉर्मेट में। ऊपर वाला डिज़ाइन हम डिलीट कर देंगे और इसको जो हम एक रीनेम मतलब एक नेम दे देंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन, ठीक है। हमने यहाँ पे नेम भी दे दिया, हमने ऊपर वाला डिज़ाइन डिलीट भी कर दिया। अभी यहाँ मैं आपको जो है वो जूम करके दिखा रही हूँ ये डिज़ाइन, ठीक है। ये देखिए कितना खूबसूरत सिंपल सा एक हमारे पास सप्लीमेंट लेबल डिज़ाइन तैयार हो चुका है। अब हमें ये सप्लीमेंट लेबल डिज़ाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, इसकी प्रेजेंटेशन के लिए एक मॉकअप की ज़रूरत है, ठीक है। उसके लिए मैं एक वेबसाइट है स्मार्ट मॉकअप्स के नाम से, कैनवा पे भी ये ऐप्स अवेलेबल है, मैं वहाँ पे जाऊँगी और वहाँ की जो पैकिंग वाले फोर्थ ऑप्शन में सप्लीमेंट पे क्लिक करूँगी और मेरे पास डिफरेंट सप्लीमेंट आ जाएंगे। हम यहाँ फ्री वाला फ़िल्टर यूज़ करेंगे और ताकि हमारे पास हमें बगैर किसी मेहनत के तलाश किए बगैर हमें फ्री वाले जो हैं यहाँ पर वो मिल जाएँ। यहाँ पर मैंने जो फर्स्ट वाला है उस पर सेलेक्ट किया और ये देख लें हमारे पास सप्लीमेंट यूजली इसी तरह की मेन बॉटल होती है, ठीक है। तो वो वाला हमारे पास आ चुका है। यहाँ पर मैं अपना डिज़ाइन सेलेक्ट करूँगी और ये देखिए हमारा डिज़ाइन यहाँ पर लग चुका है, बट ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। यहाँ पर मैं इसकी सेटिंग करूँगी और जो पेंसिल वाला ऑप्शन है वहाँ पर क्लिक करूँगी और इस डिज़ाइन को जूम करके एडजस्ट करके देखूंगी। साइड पे आपके पास ऑप्शन भी आ रहा है, जैसे जैसे आप चेंजेस करते जाओगे साइड पे आपके पास पिक्चर आ रही है, आप उसके मुताबिक इसको जो है देख सकते हो कि कहाँ पे डिज़ाइन कैसे सेट हो रहा है या कैसे जा रहा है ये वाला डिज़ाइन, ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये देखिए मैं यहाँ पे इसको सेट कर रही हूँ और ये आप देख सकते हो मैं इसको यहाँ क्रॉप एंड कंटिन्यू पे क्लिक करूँगी तो ये हमारे पास यहाँ पे ये डिज़ाइन जो है वो हमारे मॉकअप में ऐड हो चुका है। अब मुझे जो पिछली बॉटल और उसकी कैप है मैं उसका भी कलर चेंज कर सकती हूँ। उसके लिए मैं कस्टमाइज में जाऊँगी और जार का कलर वाइट कर दूँगी और इसके अलावा जो कैप का कलर है वो मैं जो रखना चाहूँ कर सकती हूँ, जस्ट लाइक ग्रीन या फिर ब्लैक या फिर वाइट, इस तरह का डिफरेंट मैं जो है ये डिज़ाइन भी चूज़ कर कलर भी चूज़ कर सकती, ठीक है। हमारे पास अब ये जो है डिज़ाइन तैयार हो चुका है। ये इसी तरह का विटामिन के जो मॉकअप्स होते हैं इसी तरह इसमें यूज़ होते हैं, जिसमें जो सेंटर वाला डिज़ाइन है वो अच्छी तरह हमारे पास रिप्रेजेंट होता है, बट जो साइड वाले डिज़ाइन हैं लेफ्ट और राइट साइड वाले वो हमने कैसे जो तैयार किए हैं उसको कैसे रिप्रेजेंट करना है वो भी अभी मैं यहाँ कम्प्लीट प्रोसेस आपको बताती हूँ। यहाँ मैं एक मैंने ज़रा उससे ज़रा छोटी विड्थ में एक बॉटल ली है, ठीक है, उसका मॉकअप लिया है, उसको मैं यहाँ पर उसी तरह जैसे मैंने पहले आपको करके दिखाया उस डिज़ाइन को यहाँ पर सेट कर दूँगी और यहाँ पे साइड पे आपके पास शो भी हो रहा है कि आपका डिज़ाइन किस तरह रिप्रेजेंट होगा, तो किया है उसकी उसके मुताबिक मैं इस डिज़ाइन को यहाँ पे सेट कर दूंगी।
ये देखें यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको जो है वो उसके मुताबिक एडजस्ट यहाँ पे कर दूँगी। ये मैं जो मिडल वाला डिज़ाइन है, जो मेन हमारे पास डिज़ाइन है, वो मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक है, आप इसको देख सकते हो। अभी हम जो लेफ़्ट राइट वाली चीज़ें हैं वो भी हम इसी मॉकअप में ऐड करके मैं अभी आपको दिखाती हूँ। ठीक है, ये देखिए हमारे पास ये सेट होगी ये चीज़ें। अब मैं कस्टमाइज़ में जाऊँगी और बॉर्डर का कलर और कैप का कलर चेंज कर दूँगी। अब यहाँ पर मैं आपको एक बार बताती चलूँ कि जो सप्लीमेंट के मॉकअप्स होते हैं वो किस तरह रिप्रेजेंट किए जाते हैं। कम्प्लीट प्रोसेस में अभी आप के साथ शेयर करने वाली हूँ। अब यही नहीं कि आपको मॉकअप्स कैसे लेने हैं, आप अब यहाँ पे पता लग गया और अब यहाँ पे भाग जाओगे। अभी यहाँ पे मैं आपको बताती हूँ कि आपने जो साइड वाले डिज़ाइन है ये देखें, जहाँ पे मैंने इन्फॉर्मेशन और बार कोड और इस तरह के लोगोस वगैरह ऐड किए हुए हैं। अब हम वही मॉकअप लेंगे और उसको जो है वो लगाएंगे। ये देखें, जैसे अभी हमारे पास जो ये वाली साइड है ये लग चुकी है। अब इसको मैं डाउनलोड कर लूँगी मीडियम क्वालिटी में। हमारे पास सेंटर वाला एक डिज़ाइन एक मॉकअप में हो गया। अब ये जो इस साइड वाला हमारे पास जो है ये भी डिज़ाइन मैंने मॉकअप में ऐड करके इसको सेपरेटली डाउनलोड करूंगी। इसके बाद हमारी जो दूसरी साइड है जिसमें मैंने सारे न्यूट्रिशनल फैक्ट्स और एक्सपायरी डेट और इस तरह की जितनी भी डिटेल होती है, मतलब वो जो है मैं यहाँ पे सेट करूंगी और कोशिश करूंगी कि जो मिडल वाला डिज़ाइन है वो भी साथ आए और ये जो न्यूट्रिशनिंग वाला है ये भी जाहिर हो। ठीक है, तो ये देख सकते हैं अब इस वाली साइड को भी मैंने कर लिया है एडजस्ट। इसके लिए मैं थोड़ी बहुत चेंजेस करके इसको मीडियम क्वालिटी में डाउनलोड कर लूँगी। अब मेरे पास जो है वो मेनली 3 तरह के इस बोतल के मॉकअप्स आ चुके हैं। अब मैं अगेन कैनवा पर आऊँगी। हम जो है वो क्रिएटर डिज़ाइन पर क्लिक करेंगे, यहाँ पे कस्टम साइज क्लिक करेंगे, जो कि हम फर्ज करने चले फाइबर की कीमत का तो डिज़ाइन साइज होता है 7, 12 और 4, 30 वो रख लेते हैं। और यहाँ पे अपलोड फाइल्स में जाके मैं अपने जो भी मेरे मॉकअप्स यहाँ पे ऐड करने हैं मैं वो ऐड कर लूँगी। जैसे कि आप देख सकते हैं जो मिड वाला था मैंने जो डिज़ाइन सेट किया उसको जो अब मैं यहाँ पे सेट करती हूँ इमेज पे। ठीक है, और ये देखेंगे हमारे यहाँ पे इस मॉकअप में हमारे पास साफ पता चल रहा है कि ये मिड वाला डिज़ाइन है। अब हमने जो दूसरी साइड वाला डिज़ाइन है, ठीक है, राइट वाला, उसको जो है वो हमें लार्ज करके उसके मुताबिक साइज़ को थोड़ा बहुत इंक्रीज डिक्रीज करके उसको यहाँ पर सेट कर दूँगी। मतलब हम रिप्रेजेंट करने की ये कोशिश कर रहे हैं कि ये एक ही डिज़ाइन है, उसको क्लियरली दिखा रहे हैं कि एक जो मिड वाला डिज़ाइन है उसको भी दिखा रहे हैं जो हमने डिज़ाइन किया, और जो साइड्स वाले डिज़ाइन है उसको भी दिखा रहे हैं। क्योंकि ये कोई 3D वीडियो नहीं है, ये कोई 3D डिज़ाइन नहीं है जो रोटेट होकर सारा डिज़ाइन आपको दिखाए। ये एक मॉकअप है, इसी में आपको रिप्रेजेंट करना है। और इसी तरह यूजली आप जब भी बनाओगे जो सप्लीमेंट्स के डिज़ाइन, ठीक है, तो इसी तरह आप अपने क्लाइंट को डिलीवर करोगे। 3 मॉकअप्स बनाओगे, ठीक है, 3 बोतल्स में उसमें मॉकअप्स ऐड करोगे और उसको एक सेपरेट जो इमेज है उसके अंदर तीनों मॉकअप्स को लगा के सेट करके डिज़ाइन करके दिखाओगे कि मिड वाला डिज़ाइन ये है, राइट वाला ये है, लेफ्ट वाला ये है। ठीक हो गया, होप्स हो कि आपको जो है वो यहाँ पे समझ लग चुकी होगी कम्प्लीटली। इसको मैं डाउनलोड कर लूँगी और PNG फॉर्म में ये डाउनलोड हो जाए। डिज़ाइन है हमने प्रिपेयर किया, ये हमारे पास ये वाला डिज़ाइन है। ये तो मैंने जो एक लार्ज बोतल से सप्लीमेंट की उस पर मैंने आपको ऐड करके दिखाया, ये वो वाला डिज़ाइन है। इसके अलावा ये जो मैंने सेकेंड वाला आप में जो स्मॉल बोतल थोड़ी सी विड्थ वाइज छोटी थी वो दिखाया, ये हमारे पास एक वो वाला डिज़ाइन है जो साइड डिज़ाइन है। और ये हमारे पास जो दूसरी साइड का जहाँ मैंने न्यूट्रिशन वगैरह की और थोड़ी बहुत डिटेलिंग ऐड की है। और ये हमारे पास जो है कंबाइंड मॉकअप्स का डिज़ाइन है, जो हमने जो है वो तीनों मॉकअप्स को एक चीज़ पे इकट्ठा करके अपने डिज़ाइन को रिप्रेजेंट और प्रेजेंटेशन उसकी देने की कोशिश की है। अब मैं आपको बताती हूँ आपने अर्निंग कैसे करनी है। हम फाइवर पर आते हैं और यहाँ पर सर्च करते हैं सप्लीमेंट पैकिंग। ठीक है, सप्लीमेंट पैकिंग ये देख सकते हैं आप ये वाला, इसको मैंने जैसे ही सर्च किया 342 रिज़ल्ट आ चुके हैं। ठीक है, 342 रिज़ल्ट जस्ट अवेलेबल हैं। और अभी आप यहाँ पे ऑर्डर चेक कर लिए गए, लोगों को बहुत ज़्यादा हाई डिमांडेडली ऑर्डर्स लोगों को मिले हुए हैं। जस्ट 342 सर्विसेज अवेलेबल हैं। इतना ये लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड है कि अगर आप सप्लीमेंट की गिग बनाते हो और ये कीवर्ड आप ऐड करते हो तो यकीनन आपकी 1st to 2nd पेज पर गिग रैंक होगी। और जस्ट 8 पेजेस हैं इस कीवर्ड पर। ठीक है, और यहाँ पर आप ऑर्डर्स देख लें कितने ज़्यादा लोगों को हाईली ऑर्डर्स मिले हुए हैं। ये अभी मैं यहाँ 4th पेज पर आई हुई थी, यहाँ भी लोगों को ऑर्डर्स मिले हुए थे। 1st पेज पर आप यहाँ पर जाकर देख सकते हैं। अब मैंने एक दो गिग भी ओपन किया, उन्होंने कहा कि मैं प्रीमियम सप्लीमेंट प्रोडक्ट लेबल डिज़ाइन करके दूंगा। 4 ऑर्डर्स इनके क्यू में पड़े हुए हैं। बेसिक में ही ये 8,500 या तकरीबन 9,000 तक ले रहे हैं, और स्टैंडर्ड प्रीमियम की तो बात ही छोड़ दें, वो तो बहुत ज़्यादा हाईली रेट रखे हुए हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आप इनके डिज़ाइन देख रहे हैं, ये उन्होंने देखें कि ये देखें किस तरह एक सिंपल सा डिज़ाइन है। ये देखें जैसे मैंने अभी आपको करके दिखाया है कि आपने जो है वो ये डिज़ाइन प्रिपेयर करना है, उसको 3 मॉकअप्स में 3 सप्लीमेंट जार्स के मॉकअप्स में ऐड करके उसको एक
पिक्चर्स में लगा के रिप्रेजेंट करना है। ये पिक्चर्स आप देख सकते हो, इस तरह के आपने डिजाइन करने हैं। अब इस तरह के डिजाइन में ज्यादा डिटेलिंग ऐड है। अब डिटेलिंग आपको ये सारी आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा, आपने क्या डिटेल ऐड करना है, क्योंकि सारा कुछ इंस्ट्रक्शन, उसकी डिटेलिंग, उसकी कलर थ्योरी, उसका जो है वो क्या क्या चीज दिखनी है, क्या क्या कॉम्बिनेशन है, कौन सी विटामिन हैं, सप्लीमेंट्स हैं, कंपनी का नेम क्या, लोगों क्या, ईच एंड एवरीथिंग आपको आपका क्लाइंट प्रोवाइड करेगा। उसके लिए आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इवन आपको साइज भी बताएगा, क्योंकि जो कंपनीज होती हैं जिनके सप्लीमेंट होते हैं उनके जो जार का साइज होता है, सप्लीमेंट के जार का, वो हर एक का डिफरेंट होता है। आपने देखा होगा किसी का छोटा होता है, किसी का बड़ा होता है। वो विड हाइट वगैरह आपको बताएगी कि हमारे पास ये, हमारे पास डिजाइन है तो ये हमारे पास इतना विड है। अभी आपको मैं डिफरेंट डिजाइन और डिफरेंट गिग्स ओपन करके दिखा रही हूँ, ऑर्डर जिनके क्यू में पड़े हुए हैं। सिंपल से डिजाइनर जो मैंने अभी आपको क्रिएट करके दिए हैं, आप भी इस तरह के डिजाइन क्रिएट कर सकते हो इजिली, और इस कीवर्ड पे रैंकिंग भी ले सकते हो और अर्निंग भी कर सकते हो, और आपको ज्यादा से ज्यादा ऑर्डर्स मिलने के भी चांसेस हैं। ये सिर्फ फाइवर है, इसके अलावा अपवर्क और freelancer.com पे भी बहुत ज्यादा हाईली डिमांडेड सर्विस है। एक तो साथ साथ लो कॉम्पिटिशन है, दूसरी हाईली डिमांडेड है। यहाँ आपको बताते चलूँ, ये जो पैकिंग है, ये जो लेबल डिज़ाइन है, ये बहुत ज़्यादा बहुत बड़ी निश है, ठीक है, बहुत ज़्यादा ये हाई डिमांडेड और हाई कंपटीशन है। उसकी जो ये सब निश है, ये सप्लीमेंट पैकिंग है, आप इसको ट्राई कर सकती हो और ये बहुत अच्छी है। सो अगर आपने यहाँ तक वीडियो देख ली है तो आपको मुझे कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और कॉमेंट सेक्शन में अगर आप किसी और टॉपिक पर वीडियो चाहते हो तो तब भी ज़रूर अपनी राय का इजहार कीजिएगा और बताइएगा, और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अगर थोड़ी सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी हो आपको, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। एंड ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, एंड अल्लाह हाफिज़।